हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं होली के लिए स्पेशल दही बड़ा। एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, रुई के जैसा, बिल्कुल कहीं पे भी घुटली नहीं रहेगी, बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट बनेगा, एकदम मुंह में जाते ही घुलेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये ली है हमने एक कटोरी उड़द की दाल। इसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो अब अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है और दाल इतनी फूल गई है कि वो अच्छे से टूट रही है। तो सारा 3-4 बार अच्छे से धो करके हमने इसको दाल को ले लिया है। अब हम इसको जार में डाल करके पीसेंगे। एक बार में अगर नहीं पीसे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में भी पीस सकते हैं। अगर थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट, जालीदार, मुलायम, नरम एकदम से बनेंगे। कोई गुठली नहीं बनेगी उसमें, कोई अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। अब इसको हम पीसेंगे, एकदम स्मूथली नहीं पीसेगी, थोड़ा थोड़ा चला के रोक के पीसेगी, क्योंकि दाल बहुत चिकनी होती है। ये देखिए पूरी दाल जो है हमने पीस ली है और यहाँ पे शुरू होता है दही बड़े का संघर्ष हमारा। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना रहता है। ऐसा नहीं कि हाथ दुखने लग गया तो इसको दूसरी तरफ घुमा दे, नहीं, इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते 5 से 6 मिनट हम इसको फेंटेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लफी बना जाए। देखिए 6 मिनट के बाद में इसका कलर भी एकदम वाइट हो गया और इतना बढ़िया फ्लफी हो गया है। ये देखिए हाथ पे लगा के अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हाथ पे से बिल्कुल नहीं गिरता है। तो यहाँ पे देख, ऐसा अगर करके देखते हैं हम डोंगा भी उल्टा करेंगे तो ये नहीं गिरेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देख बोल सकते हैं कि हमारा दही बड़ा बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने डाला है कच्चा जीरा और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक, ज़्यादा ना डालें क्योंकि हम दही में भी नमक यूज करने वाले हैं। तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना बढ़िया फ्लफी हो रहा है, एकदम से आइसक्रीम के जैसा लग रहा है, एकदम से जैसे क्रीम होती है ना केक पे लगाने वाली, वैसा लग रहा है, इतना फ्लफी हो गया है ये। जितना बढ़िया आप फेंटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका दही बड़ा बनेगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और एक दूसरा है चेक करने का इसका तरीका, तो हम पानी ले लेंगे और पानी में अगर छोड़ के देखेंगे तो अगर अच्छे से हमारा दही बड़ा फेंटा हुआ है तो ये पानी में डूबेगा नहीं, ऐसा कैसा ऊपर तैरेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ भी डालने की जरूरत इसमें नहीं है, ना मीठा सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना इनो, कुछ भी नहीं डालेंगे तो हमारे दही बड़े बहुत ही शानदार बनने वाले। यहाँ पे ले लेंगे हम तेल, थोड़ा सा डाल के देखेंगे अच्छे से तेल गर्म हो गया है, बिल्कुल ज़्यादा एकदम तेज आंच नहीं करनी है, मीडियम मीडियम आँच पर हम इसको सेकेंगे, एकदम से तेज ना करें नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दही बड़े का। देखिए थोड़ा थोड़ा तेल उड़ा के उसके ऊपर और इनको उल्टा पलटी करते हुए अच्छे से हम सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया दही बड़ा बनता है हमारा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया है, एकदम बिल्कुल छोटा साइज़ भी नहीं बनाया बड़े का। यहाँ पे अच्छे से दही बड़े हमारे सीख गए, बस कलर चेंज करने के लिए 1 मिनट के लिए हम आँच तेज़ कर देंगे। देखिए कलर भी इसका बढ़िया सा चेंज हो गया है और अब हमने इसको निकाल लेंगे। ये लिया हमने हल्का गुनगुना पानी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब जितने भी दही बड़े निकालेंगे सारे इसमें पानी में हम डालते जाएंगे ताकि जो है ये हमारा दही बड़ा और भी सॉफ्ट हो जाए और जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। तो ये बड़ा जो है पानी में नहीं डूबा है अभी तक। ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट, एकदम जालीदार बनाए हैं, बिल्कुल कहीं पे भी इसमें गुठलियाँ आपको नहीं दिखेगी और एकदम जितनी ज़्यादा जाली रहती है दही बड़े में उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो जब तक हम पहले वाले जो बड़े थे, देखिए साइज़ में कितने बड़े हो गए फूल के वो, तो इसको हल्का से हाथों से पानी निकाल लेंगे दबा के और सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। और जब तक हमारा ये हमने ली है दही, दही में डालेंगे हम चीनी और चीनी के साथ डालेंगे हम इसमें काला नमक, बस और कुछ अभी इसमें नहीं डालेंगे। आपको इसमें वाइट डालना है तो वाइट भी डाल सकते हैं, बाकी काले नमक का टेस्ट जो है इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए काला नमक डालने है तो अगर आपके पास। तो अच्छे से फेंट लिया हमने दही को, चलिए अब हम उसको सर्व करते हैं। होली आ रही है तो होली पे तो दही बड़ा अगर ना बने तो होली को होली लगती नहीं है, तो दही बड़ा तो एक उसकी शान है, जान है होली की, तो आप ज़रूर बना करके ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनेंगे और आने वाले मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे। दही डाल दी है हमने, उसके बाद डाली है हमने चटनी, लाल चटनी। ये कल हमने रेसिपी दी थी इसकी, तो आप बना करके अगर एक बार रख लोगे हरी और लाल चटनी तो बहुत ही लंबे टाइम तक लाल वाली चटनी जो है हमारी चलती है। दोनों चटनी डाल दी है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ी थोड़ी डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर। ये देखिए ये प्लेट जो है हमारी बन करके हो गई रेडी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया नरम मुलायम, एकदम से देखते मुँह में पानी आ जाए देखने वाले को भी और खाने वाले को भी, एक बार खा के दूसरी प्लेट ज़रूर मांगेगा। तो इतने बढ़िया ये नरम दही बड़ा बना है, तो आप भी बना करके ज़रूर ट्राई करें। इस होली पे आपके मेहमानों को बुलाइए, खिलाइए और अपनी तारीफ़ करवाइए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।